हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे बच्चे। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 12, ट्रायल बैलेंस। आपको याद होगा बच्चों, हमने एक चैप्टर करा था जर्नल का, जिसमें हमने जर्नल से लेजर अकाउंट बनाए थे और फिर लेजर अकाउंट से मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी बताया था। तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों, ट्रायल बैलेंस, और बहुत ही आसान, वेरी वेरी सिंपल। इसमें हम कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक बार फॉर्मेट फिर से बनवा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस बच्चों, याद है आपको क्या होता था? ट्रायल बैलेंस में हम जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं उनको बैलेंस करते थे, और आपको याद है उन बैलेंसेस में हम लोग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को आइडेंटिफाई करते थे और फिर उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे। तो ट्रायल बैलेंस बच्चों एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को शो करते हैं। बैलेंसेस का मतलब होता है जो आप लेजर अकाउंट्स बनाते हो उसमें जो बैलेंस बचते हैं, या तो डेबिट या क्रेडिट, तो उन बैलेंसेस को शो करता है ये ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बच्चों 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हेड ऑफ अकाउंट्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। अब ट्रायल बैलेंस में हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपको क्वेश्चन में तरह तरह के अकाउंट्स क्वेश्चन में देंगे, आपको सिर्फ उन सारे अकाउंट्स को हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आपको याद है बच्चों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का कोड था क्लियर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से बस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपका काम आसान। ये क्लियर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन थी, इसमें क्या होता था बच्चों, सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लाइबिलिटी, ई मतलब एक्सपेंस, ए मतलब एसेट और आर मतलब रेवेन्यू। अब जब आप गिवन ट्रांजेक्शन्स या गिवन अकाउंट्स को पहले क्लियर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लोगे, तो उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी कैपिटल या जो भी लाइबिलिटी या जो भी रेवेन्यू आइटम्स होंगे, इन्हें आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। इनके बैलेंसेस को आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे, और जो भी आपके एक्सपेंस और एसेट्स के बैलेंस होंगे उन्हें आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। वेरी सिंपल। तो जितने भी आपको अकाउंट्स दे रखे हो वो हम नोट करके एक्सपेंस और एसेट्स के बैलेंस डेबिट साइड पर, और कैपिटल लाइबिलिटी या रेवेन्यू के बैलेंसेस क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे, और फिर जब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। तो बस ये प्रोसेस होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, बहुत ही सिंपल है। तो हम एक क्वेश्चंस कर करके इन सारी बातों को कवर करेंगे। हम सबसे पहले बुक का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस आप बच्चे, सारे बच्चे मेरे साथ साथ बनाएं, बहुत ही सिंपल है। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम्स बनाने हैं हमें? 5 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। तो 5 कॉलम्स आप लोग बनाएं सारे बच्चे। फिर क्वेश्चन के एक एक आइटम से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए
चलिए जी, तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट आइटम कैपिटल, तो आप बच्चे लिखें सीरियल नंबर 1 में कैपिटल। अब बच्चों बस आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे बस ये बताते रहो कि जो भी हम ये अकाउंट लिखेंगे ये क्लियर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा आइटम है। बस सिंपल, सबसे पहला लिखना है कैपिटल, तो सर कैपिटल तो कैपिटल ही है, ये तो कैपिटल ही हो गया। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, अभी अभी हमने रिवाइज करा था, कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू तीनों का ही क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन में हमें कैपिटल का कितना अमाउंट दे रखा है, 2 लाख, तो ये आप क्रेडिट साइड पर लिख लो 2 लाख। इसके बाद सेकेंड आइटम है बिल्स पेबल, तो बच्चे मुझे बताएंगे बिल्स पेबल इनमें से क्या होता है। राइट, लायबिलिटी, बिल्स पेबल होता है लायबिलिटी, तो बिल्स पेबल का अमाउंट भी आप कौन सी साइड लिख लेंगे, क्रेडिट साइड। उसके बाद थर्ड आइटम स्टॉक, तो स्टॉक मुझे बताएंगे बच्चे क्या होता है, स्टॉक होता है जी एसेट, वेरी गुड। और एक्सपेंस या एसेट को कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, तो स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, तो बस इसको आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लो। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है बैंक लोन, बैंक लोन के बारे में बच्चे क्या बताना चाहेंगे, बैंक लोन हमारे लिए क्या है। बिल्कुल सही जवाब, बैंक लोन बच्चों ने कहा लायबिलिटी, तो बैंक लोन का अमाउंट आप क्रेडिट साइड लिख लेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बैंक, बैंक हमारे लिए क्या होता है इन पांचों में से, बैंक होता है एसेट, तो बस बैंक का बैलेंस आप डेबिट साइड लिख लेंगे। उसके बाद अगला आइटम आपको दे रखा है सेल्स, तो सेल्स हमारे लिए कौन सी क्लासिफिकेशन है, सेल्स हमारे लिए होती है सामान बेचा पैसे मिले, यानी कि रेवेन्यू, तो सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, तो इसका बैलेंस किधर लिख देंगे, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसके बाद सेवेंथ आइटम दे रखा है डेटर्स, तो डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं बच्चों, एसेट, तो डेटर्स का बैलेंस किधर लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद लास्ट आइटम दे रखा है हमें परचेजेस, तो मुझे बच्चे बताएंगे परचेजेस क्या होता है, अब हमारे लिए परचेजेस होता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो कौन सी साइड इसका अमाउंट लिख देंगे, डेबिट साइड। बस कितना सिंपल है बच्चों, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सारे अमाउंट खत्म, तो आप टोटल कर देंगे दोनों साइड का, डेबिट साइड का टोटल करते हैं हम लोग, चलो डेबिट साइड का टोटल आएगा बच्चों 7,50,000, और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल भी आएगा 7,50,000। बस तो यही ट्रायल बैलेंस की खासियत है, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा सेम आएगा। तो ये आप सबको समझ आ गया, वेरी गुड। इसके बाद हम करेंगे एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें और एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सीखते हैं कैसे होता है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्मेट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एज एट, तो इसमें कितने कॉलम्स बनाते हैं बच्चों, 5 कॉलम्स, तो बनाते हैं सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। चलो जी,
तो इसमें भी हम सेम कहानी करेंगे बच्चों, सेम चीज करेंगे, क्वेश्चन में दी हुई सारी चीजों को बस क्लियर के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे, तो या तो डेबिट या क्रेडिट। तो एक एक चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला आइटम, फर्स्ट आइटम हमें दे रखा है परचेजेस। तो परचेजेस हमारे लिए क्या होता है बच्चों क्लियर के हिसाब से? परचेजेस हमारे लिए होते हैं एक्सपेंस। तो सर एक्सपेंस का बैलेंस हम कौन सी साइड लिखें? तो बच्चों ने सही बताया, बच्चे खुद ही बता रहे हैं कि सर डेबिट साइड लिखेंगे। तो परचेज का बैलेंस डेबिट साइड। सेकेंड आइटम दे रखा है सन्डरी डेटर्स। अब सन्डरी डेटर्स कौन सी क्लासिफिकेशन होती है? सन्डरी डेटर्स होते हैं एसेट। तो सर एसेट का बैलेंस भी कहां चला जाएगा? डेबिट साइड चला जाएगा, 18550। इसके बाद थर्ड आइटम दे रखा है प्रिमाइसेस। प्रिमाइसेस क्या होता है? प्रिमाइसेस होता है जी एसेट। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के ही छोटे भाई को प्रिमाइसेस बोलते हैं, एसेट। तो इसका बैलेंस भी डेबिट साइड चला जाएगा। इसके बाद फोर्थ आइटम है सेल्स। तो सेल्स हमने अभी अभी पहले भी पढ़ा था, सेल्स होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का आइटम अब कौन से साइड में जाएगा? बिल्कुल सही, बच्चे कह रहे हैं सर क्रेडिट साइड में, वेरी गुड। तो सेल्स का अमाउंट आप क्रेडिट साइड पर लिख दो। इसके बाद अगला आइटम है रिटर्न्स आउटवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है बच्चों, ये आपने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। ठीक है सर, तो परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या होती है बच्चों? परचेज रिटर्न क्या होती है आपको समझाते हैं। परचेजेस हमारे लिए क्या थी? एक्सपेंस। तो परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। तो इसका बैलेंस भी कौन सी साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है रेट्स एंड टैक्सेस। अब सर रेट्स एंड टैक्सेस ये क्या होते हैं? तो बच्चों रेट्स एंड टैक्सेस हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। तो अब ये एक्सपेंसेस हैं तो इनका बैलेंस भी हम कहां लिख देंगे? डेबिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी कैश एट बैंक। बैंक में पैसे रखे हैं हमारे, तो ये क्या होता है हमारे लिए? एसेट। और एसेट का बैलेंस किधर लिख दें? डेबिट साइड। इसके बाद अगला आइटम है कैरिज इनवर्ड्स। सर कैरिज इनवर्ड्स क्या होते हैं? कैरिज इनवर्ड्स का मतलब होता है बच्चों, कैरिज मतलब सामान, इनवर्ट्स का मतलब जब हम सामान फैक्ट्री में अंदर लेकर आते हैं ट्रक में, तो कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं सामान को फैक्ट्री के अंदर लाने के लिए, तो ये एक्सपेंसेस हैं। तो इनका बैलेंस किधर लिख देंगे? डेबिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है सैलरीज। आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हैं, आपका बिजनेस एम्प्लॉयज को सैलरीज देता है, तो ये क्या है? एक्सपेंस। तो इसका बैलेंस किधर आ जाएगा? डेबिट साइड। इसके बाद आपको अगला दे रखा है स्टॉक, 1 अप्रैल का। तो 1 अप्रैल का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक आपके लिए होता है एसेट। तो इसका बैलेंस भी कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड। बहुत सिंपल है बच्चों, बस क्लियर के हिसाब से आइडेंटिफाई करने, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम आपको दे रखा है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स याद है आपको, पहले भी बताया था, ड्राइंग्स का मतलब होता है जो हमारे कैपिटल को कम कर दे, और ये हमारे लिए एसेट होता है। तो ड्राइंग्स का बैलेंस भी कहाँ लिख देंगे हम? डेबिट साइड। इसके बाद सन्डरी क्रेडिटर्स। सन्डरी क्रेडिटर्स क्या होते हैं बच्चों? सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड।
इसके बाद अगला आइटम है रिटर्न इनवर्ड्स। सर रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? तो बच्चों रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स आपके लिए रेवेन्यू था? हाँ सर था। तो सेल्स रिटर्न आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा। तो एक्सपेंस का बैलेंस कौन सी साइड लिख देंगे हम? डेबिट साइड लिख देंगे। तो इसका बैलेंस डेबिट साइड पर लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर तो आपको पता ही है बच्चों, फर्नीचर का मतलब होता है एसेट। तो ये फर्नीचर एसेट है तो कौन सी साइड लिख देंगे? डेबिट साइड लिख देंगे। इसके बाद कैश इन हैंड। हमारे ऑफिस में कुछ कैश है, पैसे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट का बैलेंस किधर लिख देंगे? डेबिट साइड। सर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। हाँ बच्चों ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्लियर के हिसाब से आइडेंटिफाई करके डेबिट और क्रेडिट में लिखना है, सिंपल। अगला आइटम है कैपिटल। तो कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, तो इसका बैलेंस कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड। इसके बाद अगला आइटम है फैक्ट्री वेजेस। हमने फैक्ट्री में अपने मजदूरों को वेजेस दिए, तो ये हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। तो इसको भी कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड। इसके बाद दे रखा है कैरेज आउटवर्ड्स। सर कैरेज आउटवर्ड्स मतलब, कैरेज मतलब सामान, आउटवर्ड्स मतलब अब वो बाहर जा रहा है, फैक्ट्री से बाहर जा रहा है शोरूम की तरफ, तो उसमें कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो कैरेज आउटवर्ड भी आपका एक्सपेंस है, सामान फैक्ट्री से बाहर जा रहा है खर्चा, तो ये आप कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड 260। उसके बाद रेंट रिसीव्ड। तो हमें रेंट रिसीव हो रहा है बच्चों, पैसे मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड। उसके बाद अगला आइटम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है बच्चों कंपनी खर्चा कर रही है, इंश्योरेंस का खर्चा, प्रीमियम देती है, खर्चा है ये, तो एक्सपेंस कौन सी साइड लिख देंगे? डेबिट साइड। इसके बाद लास्ट आइटम है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब नुकसान हो गया, हमारे पैसे वापस नहीं मिले, खर्चा, एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस भी कौन सी साइड लिख देंगे? डेबिट साइड। बस सारे आइटम खत्म, अब हमें टोटल करना है। तो चलो जी आप बच्चे, आप डेबिट साइड का टोटल करो, मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ, फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा टोटल मैच कर रहा है। तो आप डेबिट साइड का टोटल करें, मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ। तो मेरा तो टोटल आ रहा है 254,190। बच्चे कह रहे हैं सर डेबिट का भी 254,190 आ रहा है। हाँ जी, तो बस आपका ये टोटल मैच करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ डेबिट साइड में एक्सपेंस और एसेट लिखने हैं और क्रेडिट साइड पर लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जो भी होंगे वो लिखने। बाकी आपको एग्जाम में एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो हम सिंबल यहाँ पे मार्क कर रहे हैं ये मैं सिर्फ आपको अभी एक्सप्लेनेटरी सेंस के लिए करवा रहा हूं, एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, एग्जाम में ये सारी चीजें आप अपने माइंड में करेंगे लेकिन एग्जामिनर को शो नहीं करना है, तो ये सारी चीजें हमें एग्जाम में नहीं करनी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके बाद हम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एज एट,
बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गलत ट्रायल बैलेंस बना के दे रखा है, क्वेश्चन वाला चालाक है, वो हमें गलत ट्रायल बैलेंस बना के दे देता है और हमें कह रहा है सही बनाओ। तो बड़ा आसान है, सही बना लेंगे हम, हमें तो रूल पता चल गया। अब तो हम कैसा भी ट्रायल बैलेंस आ जाए पूरे ब्रह्मांड से, हम कैसा भी ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, बहुत सिंपल सा रूल पता चल गया है हमें। चलिए तो पहले कॉलम्स बनाते हैं, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। चलिए जी, तो सारे बच्चे सबसे पहले फर्स्ट आइटम को देखें, ध्यान ध्यान से फर्स्ट आइटम पे सारे बच्चे फोकस करें। फर्स्ट आइटम लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बच्चों इसे हम प्यार से COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बारे में हम आगे फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में सीखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपको इसका एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, आप मेरे साथ साथ लिखें। इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे सवाल में फर्स्ट आइटम दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डेबिट साइड पर लिखना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं आपका एक एक्सपेंस है, इसीलिए इसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें एक मेन चीज आप सारे बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब मैंने ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150,000 रिकॉर्ड कर लिया, तो इसका मतलब इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है प्लस इसके अंदर परचेजेस भी जा चुकी हैं, लेकिन इस 150,000 में मैंने क्लोजिंग स्टॉक को घटा रखा है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं तो ये क्लोजिंग स्टॉक इस समय इस COGS में नहीं है या इस फिगर में नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इस 150,000 की फिगर को एनालाइज करूं तो इसका मतलब इस 150,000 के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी समा चुका है, परचेजेस भी समा चुके हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर से हटा दिया गया है या इसमें नहीं है अभी। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की चालाकी पहले से ही बताता हूं और आपको सबको ध्यान से सुनना है। जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड कर लिया है, जिसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब सारे ही बच्चों को यहां पे एक सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है सर? अब क्वेश्चन अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस अलग से भी दे देगा तो आप जल्दी जल्दी में उसको भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हमने यहां पे 150,000 रिकॉर्ड कर ही लिया है तो इसका मतलब इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ऑलरेडी आ गए हैं, तो ये आपको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है। इस गलती से सारे बच्चों को बचना है, बस। तो ये इसमें हमें बात ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को अभी तक इसमें रिकॉर्ड नहीं करा है और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से हट चुका है, तो हाँ क्लोजिंग स्टॉक आपको अवश्य अवश्य रिकॉर्ड इस पे करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक इस 150,000 के अंदर नहीं है। तो आप अपने एक सवाल का अगर सेकेंड आइटम देखें तो उसमें ही लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ये एक एसेट है तो इसे आपको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएं, आप सारे बच्चों को ये वाली कहानी समझ आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की?
ठीक है बच्चों, तो आप रिकॉर्ड कर लें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें दे रखा है डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं, तो इन्हें हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें दे रखा है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होता है बच्चों? राइट, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद अगला आइटम है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तो हमारे एसेट्स होते ही हैं, और एसेट अगर होते हैं तो इन्हें हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद बच्चों देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दे रहा है? ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन हमें पागल बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी आ चुका। इसके बाद अगला आइटम है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमारे एक्सपेंस हैं जो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं, तो हम इसको डेबिट पर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगला आइटम आपको दे रखा है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बच्चों रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड। तो रेवेन्यू आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे। और लास्ट आइटम आपको दे रखा है कैपिटल। तो कैपिटल तो कैपिटल है ही, आपने सीख लिया है, ये भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बस हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, अब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 320,000 और क्रेडिट का टोटल भी आ रहा है 320,000। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे सिंपल चैप्टर है बच्चों ट्रायल बैलेंस का। आपको बस इसमें क्लियर का रूल याद रखना है, और कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू को क्रेडिट साइड और एसेट और एक्सपेंस को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। और इस तरह आप किसी भी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका टोटल हमेशा मैच करेगा। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।